तो दोस्तों सुबह के बजे हैं 6 और मैं हूं आपका दोस्त आपका एजुकेटर अमन शर्मा आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स शो के साथ। डेट है आज 4th of April 2020। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन पूरा काफिला होता है। आज का पहला करंट अफेयर आप लोगों के लिए, वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि अराउंड 11 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी के अंदर एंटर कर जाएंगे कोरोना वायरस की वजह से पैसिफिक और ईस्ट एशिया के अंदर। वायरस ने पूरी दुनिया में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर दिया है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अराउंड 35 मिलियन पीपल इन पैसिफिक एंड एशिया विल एस्केप पॉवर्टी। इसके अंदर 25 मिलियन सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर हैं। बैंक ने प्रोजेक्ट किया है कि जो ग्रोथ रहने वाली है रीजन के अंदर वो बहुत स्लो रहेगी और अराउंड 2.1% रहेगी। 2019 में बैंक ने यहाँ पर एस्टिमेट की कि जो ग्रोथ है इस रीजन की वो 5.8% रहेगी। इसके साथ साथ बैंक ने प्रोजेक्ट किया कि जो ग्रोथ रेट है चाइना की वो 2.3% रहने वाली है। पहले वर्ल्ड बैंक ने चाइना की ग्रोथ 2019 के लिए 6.1% बताई थी। बैंक ने रिकमेंड किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर होनी चाहिए। इट सजेस्ट फॉर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इंटीग्रेटेड कंटेनमेंट ऑफ द वायरस। वर्ल्ड बैंक ने रिकमेंड ये भी किया कि हम लोगों को टारगेटेड फिस्कल मेजर्स लेने चाहिए जैसे कि हेल्थ केयर सब्सिडीज फॉर सिक पे। दिस विल मेक श्योर कि जो टेम्प्ररी डेप्रिवेशन हो उसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म ह्यूमन कैपिटल लॉस ना हो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया है ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीस कीपर्स। अपने आप में ये पहला इस तरीके का रिजोल्यूशन है जिसका नंबर है रिजोल्यूशन 2518। इस रिजोल्यूशन को पास किया गया फॉर द सेफ्टी ऑफ पीस कीपर्स। रिजोल्यूशन को इनिशिएट और स्पॉन्सर किया चाइना ने। इसको कोई स्पॉन्सर किया 43 कंट्रीज में जिसके अंदर पाकिस्तान था, ईरान था, साउथ अफ्रीका था, टर्की था, रशिया था, वियतनाम था। आज अराउंड 95,000 पीस कीपर्स हैं जो कि 13 मिशंस के अंदर पूरी की पूरी दुनिया में इन्वॉल्व हैं। रिजोल्यूशन है ये उन्हीं पीस कीपर्स की सेफ्टी के लिए है। ये उस समय आया है जब यूनाइटेड नेशन अपनी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। दिस इज अ क्रूशियल ईयर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्लीमेंट एक्शन फॉर पीस। एक्शन फॉर पीस क्या है गाइज? एक्शन फॉर पीस इनिशिएटिव है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किया था टू हेल्प कंट्रीज एड्रेस चैलेंजेस जैसे पॉलिटिकल इशू, प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स, डेंजरस एनवायरमेंट, कोई ब्रॉड या कॉम्प्लेक्स मैंडेट्स जो होते हैं उनसे डील करने के लिए। बेसिकली पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर एक्शन फॉर पीस लाया गया था। 100% टैक्स एसम्प्शन जो पीएम केयर के अंदर डोनेशन जा रहा है उसके लिए यहाँ पर एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया है। की फीचर्स क्या हैं यहाँ पे? तो जो लास्ट डेट है फाइलिंग यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न की वो एक्सटेंड कर दी गई है। मैंने आपको बताया था 30 June हो गई है। आधार और पैन कार्ड की जो लिंकिंग डेट है उसको भी यहाँ पर बढ़ा के 30 June कर दिया गया है। अगर लिंक नहीं हुआ है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि पहले भी उन्होंने वॉर्न किया था कि पैन रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। डेडलाइन जो है विवाद से विश्वास स्कीम की उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। जो लास्ट डेट है इनडायरेक्ट टैक्सेस की उसको भी एक्सटेंड किया गया। जो टैक्सेस कस्टम एक्ट 1962 के अंदर पे होते हैं और जो टैक्सेस यहाँ पर सबका विश्वास लीगल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम के अंदर यहाँ पर आते हैं उनको भी एक्सटेंड किया गया है। व्हाट इज पीएम केयर फंड? प्रधानमंत्री ने स्पेशली COVID-19 से लड़ने के लिए एक फंड बनाया जिसको बोला पीएम केयर फंड। यहाँ पर वो 100% एग्जम्प्ट किया जाएगा उसके अंदर जो डोनेशन होगा अंडर द सेक्शन नंबर 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। COVID-19 वर्ल्ड बैंक ने ऑफर किया है $1 billion यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर फॉर इंडियाज एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया कि वो इंडिया को $1 billion देगा जिससे COVID-19 एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट को हम लोग अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। जो प्रोजेक्ट है उसको इंडिया ने लॉन्च किया है जिससे हम लोग जो COVID-19 का थ्रेट है उसको मिटिगेट कर सकें। इसकी मदद से जो नेशनल सिस्टम है उसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा और पब्लिक हेल्थ के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। जो प्रोजेक्ट है वो 4 साल के लिए चलने वाला है और जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक से आए, वर्ल्ड बैंक के COVID-19 फास्ट ट्रैक फैसिलिटी की मदद से आएगी। प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर की इंडिकेटर्स के अंदर कुछ प्रोग्रेस लिया जाएगा जिसके अंदर है कि लेबोरेटरी के अंदर कैसे हम लोग बेटर चीज़ें कर सकेंगे, सैंपल्स को हम लोग विद इन 48 आवर्स यहाँ पर रिजल्ट दे सकें, टेस्ट कंडक्ट किए जा सकें और WHO स्टिपुलेटेड स्टैंडर्ड टाइम जो है COVID-19 के डिटेक्शन का उसमें हम लोग काम कर सकें। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने असेस किया है कि जो आउटब्रेक है इस वायरस का वो आगे आने वाले कुछ और साल तक चलने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी लेकर आएँ।
IRRR ने लॉन्च किया है एक इंटरनेशनल पेंटिंग कंपटीशन कोविड 19 को लेकर, जिसका टाइटल है यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट। ओके, व्हाट इज ICCR? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस को 1950 में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने फाउंड किया था। ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑर्गेनाइज करती है हमारे देश के लिए कल्चरल फेस्टिवल पूरी दुनिया के अंदर और इंडिया के अंदर। ये इट इज इट सपोर्ट्स कल्चरल इंस्टीट्यूशन और जो टैलेंट परफॉर्मर्स हैं म्यूजिक में, डांस में, थिएटर में, उनको स्पॉन्सर भी करती हैं। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ICCR द्वारा ही दिया जाता है 1965 से। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मेजर रोल प्ले किया हमारे देश के स्ट्रॉन्ग एजुकेशन फाउंडेशन के अंदर। और मौलाना का मतलब होता है आर मास्टर। ओके, और आज़ाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी का पेट नेम भी था। ICMR ने 3 क्वाजी सब स्पीसीज कोविड 19 की यहाँ पर देख ली हैं, जो कि हमारे देश के अंदर सर्कुलेट हो रही हैं। कोविड 19 के जो केसेस हैं वो अभी तक उन्हीं लोगों में पाए गए हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, इसलिए जो वायरस है वो इम्पोर्टेड वायरस है, इंडिया के बाहर से आया हुआ है। अभी तक साइंस हैज़ नॉट डिस्कवर्ड हाउ द वायरस इज बिहेविंग इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउएवर ICMR ने इस चीज़ को कन्फर्म किया है कि जो वायरस है इंडिया के अंदर उसने थोड़ा से अलग से एक वेरिएंट फॉर्म ले ली है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द कंट्री। देर आर 3 वेरिएंट फॉर्म ऑफ वायरसेस इन आर नेशन। करेंट सिनेरियो ये है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग हमारे देश में इम्पैक्ट हो रहे हैं। भारत सरकार ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को एक्सटेंड किया है और April 1, 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया कि जो एक्सपोर्ट स्कीम्स हैं जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन, कैपिटल गुड्स एंड ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट अथोराइजेशन, उनको 1 साल और यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। Government of India has planned to extend the foreign trade policy 2015 to 2020 by another year till 2021. Policy का main मकसद है इंडिया को ग्लोबल प्लेयर बनाना, जिसके अंदर टारगेट किया गए हैं ओवरसीज सेल ऑफ $900 billion by 2020। ये जो प्रोग्राम है इसको हम लोग डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और मेक इन इंडिया प्रोग्राम की मदद से अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पॉलिसी है उसका मेन मकसद है कि जो हमारी एक्सपोर्ट बास्केट है उसको हम लोग बनाएं। रेगुलर अप्रेजल मैकेनिज्म इसके अंदर है। पॉलिसी के अंदर 5 डिफरेंट स्कीम्स हैं जैसे फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फोकस मार्केट स्कीम, मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्कीम। इसके साथ साथ ग्राम उद्योग योजना और विशेष कृषि को भी यहाँ पर एक सिंगल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट MEIS स्कीम के अंदर मर्ज आउट किया गया है। आपके लिए आज इतनी ही। आप करंट अफेयर थे, कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।